आज हम लोग आशापाल स्कूल के पास हैं। यहाँ पर देखिए आशापाल स्कूल में विद्यार्थी कॉलोनी के हर सदस्य मौजूद हैं। अब इनके घर तो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे के सारे सदस्य जो रोड में आ चुके हैं। हाँ सर, आपका नाम? अवेदानंद मिश्रा। भैया मिश्रा, आज क्या बात है? आपका गुजराती कॉलोनी पूरा राज रास्ते में आ चुके हैं आप। देखिए, ये जो ओवरब्रिज बन रहा है, इसका दोनों तरफ का रास्ता है। अभी एक तरफ खुला है, एक तरफ बंद है। जो जिस तरफ बंद है वहाँ रास्ता ही नहीं है। तो गुजराती कॉलोनी में 500 घर है, वहाँ जाने के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और बार बार ये होता है, वो बाजू के तरफ में जहाँ तक रास्ता खुला है उधर से अगर कोई गाड़ी आ जाता है वो फिर घूम के पैक करके जाना पड़ता है। दूसरी बात, हमारा कोई इमरजेंसी होगा, एम्बुलेंस चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, घुसने के लिए रास्ता नहीं है। अभी फिलहाल ये क्या काम, थुकपालिस काम कर रहे हैं। आशापाली स्कूल का बगल में एक तो ड्रेन बना रहे हैं और ड्रेन के बाद रास्ता होगा ही नहीं। एक एक जगह में वहाँ रास्ता है ही नहीं और ये ड्रेन बनने के बाद रास्ता बनने का कोई हिसाब नहीं है। प्रशासन चाहता है जैसे तैसे करके ड्रेन बना दो और उसके बाद छोड़ दो। अभी जब तक हम चाहते हैं जब तक ये रास्ता खुला ना हो तब तक ये रास्ता ड्रेन नहीं बनना है। ये हमारा सर, इसके लिए पहले आपने भी पहले कई बार प्रशासन हम बहुत बार जाके मुलाकात की है। पुराने MLA के साथ बात हुआ था, प्रशासन के साथ बात हुआ है, मगर कोई सुनता नहीं है। तभी आप लोग का विचार है रास्ता रोकने का? रास्ता तो नहीं रोक रहे हैं, अभी तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं। आगे चल के अगर चाहिए तो रुकना पड़ेगा, आगे जो कदम होगा हम प्रशासन को अभी बोलना चाहते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। अभी तो आज काम बंद है, वो काम बंद कीजिए, आगे चल के जैसे पूरा रास्ता खुलेगा तब बात कीजिए। अभी के लिए जो हमारा जो असुविधा हो रहा है उसको समाधान करने के लिए जो कोशिश करना चाहिए।